हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, ट्रायंगल टूल, पॉलीगन टूल, लाइन टूल एंड कस्टम शेप टूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई करेंगे रेक्टेंगल टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, तो ये टूल क्या करता है, एक शेप क्रिएट करता है इस तरीके से। यहाँ से मैंने इसका कलर फिल कर लिया है। अगर आप नॉर्मली बिना किसी बटन के प्रेस किए आप शेप बनाओगे, तो आप किसी भी तरीके से इसको किसी भी एंगल में शेप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको स्क्वायर करते हैं, तो ये प्रॉपर स्क्वायर बनेगा, प्रॉपर शेप का स्क्वायर बनेगा। अभी मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस नहीं किया है और मैं इसको इस तरीके से छोड़ दूँ, तो ये इस तरीके से एक शेप बन जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ओपन हो रही है। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है वही सेम यहाँ पे है। तो एक एक करके हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है शेप का और पाथ और पिक्सल्स। तो हमें इसमें रेक्टेंगल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम शेप ही रखेंगे। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया फिल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं कलर, यहाँ पे आरजीबी में, सीएमवाईके में। तो यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये सारे जो कलर पैलेट है वो दिया हुआ है। और ये है हमारा ग्रेडियंट, यहाँ से आप कोई भी अपना ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और ऐसे कलर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे ये इसके टाइप दिए हुए हैं, लीनियर, रेडियल, एंगल। तो यहाँ से आप टाइप देख सकते हैं और डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट्स आपको मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। लास्ट आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा पैटर्न का। इसमें क्या है कि आपने यहाँ पे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट किया हुआ पैटर्न भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसका बॉक्स ऐसे कॉर्नर से इसको खींच कर इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब ये इसके अंदर पैटर्न आ चुका है। और इसको नन करने के लिए आप यहाँ से सिंपल इस पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है, अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये जो इसके अंदर का पैटर्न है वो उसका एंगल चेंज होता जाएगा। और यहाँ पे स्केल का ऑप्शन दिया है कि आपको पैटर्न का साइज कितना बड़ा रखना है और कितना छोटा रखना है। तो मैंने यहाँ से इसको 120 पे रखा, तो आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा साइज आ रहा है। तो अभी के लिए हम इसको यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं। और यहाँ से आप अगर नन करना चाहें तो इस तरीके से नन भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रोक का। स्ट्रोक आप इस तरीके से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और ये इसकी विड्थ दी हुई है एंड यहाँ पे स्ट्रोक का डिज़ाइन दिया हुआ है। ये नॉर्मल लाइन है, ये डैश लाइन है और ये डॉटेड है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है यहाँ पे कि आपको किस तरीके से इसको अलाइन करना है। यहाँ पे ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। और मोर सेटिंग में जाएंगे आप, मोर ऑप्शंस में, तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ से आप इसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी मैं इसको यहाँ से नन कर रही हूँ। एंड यहाँ पे विड्थ और हाइट दी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्वायर का साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 400x400 कर दिया, तो ये हमारा स्क्वायर उस साइज में बनकर आ गया है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये एक न्यू लेयर है। और ये क्या है, कंबाइंड शेप। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और एक शेप क्रिएट करूँगी, तो ये क्या करेगा, उन दोनों लेयर को कंबाइन कर देगा। अगर हम इससे पहले अगर शेप क्रिएट करते तो ये क्या करता, उसी के अंदर एक अलग लेयर बना देता। जैसे मैं आपको एक बार डिलीट करके बता देती हूँ। और अब मैं यहाँ से एक शेप क्रिएट कर रही हूँ, कलर फिल कर लेते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट किया और अगेन यहाँ पे शेप क्रिएट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जितनी बार यहाँ पे शेप क्रिएट करूँगी ये अलग अलग लेयर पे बनाता जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट किया है और अब मैं यहाँ से कंबाइन शेप पे क्लिक करूंगी, तो ये क्या करेगा, उसको कंबाइन कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एक ही लेयर पे ये दोनों शेप क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे
सब्सट्रैक्ट फ्रॉम शेप, तो आप जितना एरिया इसमें से सेलेक्ट करेंगे वो क्या करेगा, उतने एरिया को माइनस कर देगा, डिलीट कर देगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरसेक्ट शेप एरियाज, तो ये क्या करेगा, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे उसने क्या किया, इतना एरिया जो इंटरसेक्ट कर रहा था उसको सेलेक्ट कर दिया है। और नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप, तो अब इसने क्या किया, जो यहाँ पे इसने इतना एरिया सेलेक्ट किया था उसी को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, उतने एरिया को यहाँ से डिलीट कर दिया। और लास्ट है हमारा मर्ज शेप कंपोनेंट्स, और इस तरीके से आपको ये पूछेगा ऑप्शन, और यस कर देना है, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास, इसमें आप इस तरीके से फैदर ऐड कर सकते हैं और इसकी डेंसिटी को भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ अभी, नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये शेप दी हुई है ब्रिंग शेप टू फ्रंट बैक, ये आप नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि लेयर से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक दो तीन शेप बना दी अलग अलग कलर्स की। और ये इसके ऊपर कर दिया, ये इसके नीचे है, अब मैं चाहती हूँ ये वाली शेप हमारी सबसे ऊपर आ जाए, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस लेयर को ड्रैग कर देना और ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। तो सेम ये वाले टूल्स यही काम करते हैं कि आपको शेप अपनी कहाँ रखनी है, ऊपर या नीचे। और यहाँ पे सेटिंग्स दी हुई है थिकनेस की, तो ये थिकनेस हमारी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमारी ये आउटलाइन आती है यहाँ पे जो डिफॉल्ट आती है वो हमने यहाँ से डिफॉल्ट इस कलर की सेट की हुई है, तो मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने दे रही हूँ। एंड एंड में क्या है, ये हमारा कर्व है, ये जो चारों साइड का कर्व दिया हुआ है, इस तरीके से मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगी, तो मैंने यहाँ पे 94 कर दिया। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट करूंगी, तो अब आप इसका कॉर्नर देख सकते हैं कि उसका कॉर्नर जो है राउंड होकर आ गया। अब मैंने इसको यहाँ से 10 सेट कर दिया और अगेन ड्रॉ किया, तो अब इसका कॉर्नर आप देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसका कॉर्नर मैन्युअली भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको स्क्वायर एक क्रिएट करना है और आप यहाँ पे चारों साइड पे एक डॉट देख रहे हैं, बस आपको अपना कर्सर लेकर जाना, जैसे ही आप इसको इस कर्सर को इस डॉट पे लेकर जाएंगे तो एक कर्व बना हुआ आएगा और इसको अंदर की ओर ड्रैग करना है इस तरीके से। आपको जितना चाहिए कर्व आप उतना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये जो बाकी के टूल्स हैं इनकी भी प्रॉपर्टी यहाँ की सेम है, तो मैं अभी आपको पहले ये वाली प्रॉपर्टी सारी बता देती हूँ और अब हम इसकी ये वाली प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है वेथ और हाइट, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ से बताया, ऐड करके आप यहाँ पे अपना कोई भी वेथ और हाइट अपने अकॉर्डिंग एंटर करके भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक एंगल दिया हुआ है, इस तरीके से आप रोटेट करेंगे तो इसका एंगल चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिल दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन वही स्ट्रोक दिया हुआ है जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, और ये स्ट्रोक का साइज है यहाँ पे, और ये दिया हुआ है कि अभी मैंने इसको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो स्ट्रोक ने क्या किया, इनसाइड स्ट्रोक आ गया, और ये क्या करेगा, कॉर्नर कॉर्नर पे स्ट्रोक आएगा और ये आउटसाइड पे, तो इसको डिफॉल्ट ये वाला ही हमें सेंटर वाला ही रखना है। एंड ये इसके कॉर्नर्स के लिए है, जैसे मैंने यहाँ चेंज किया ये इस तरीके से इसका कॉर्नर चेंज कर देगा। और अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि ये चारों साइड दी हुई है आपको, और ये क्या करेगा कि अगर मैं इसको हटा दूं और अब मैं इसमें ऐड करूं, तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, एक साइड का कॉर्नर उतना कर्व कर दिया है इस तरीके से। मैंने यहाँ पे 60 ऐड किया, इसने इस साइड का कॉर्नर उतना राउंड कर दिया। अब मैं यहाँ इस साइड ऐड कर रही हूँ तो इसने इस साइड का कॉर्नर ऐड कर दिया। और अगर आप इसको ऑन कर देंगे इस लिंक को, और अब मैं यहाँ पे
कॉर्नर ऐड करूं, पहले हम इसको जीरो कर लेते हैं, और अब मैं यहाँ पे इसका कॉर्नर ऐड कर रही हूँ, तो ये क्या करेगा, चारों साइड ऐड करेगा। तो आपको इस लिंक का ध्यान रखना है, क्योंकि इसने अब चारों साइड पे 50-50 पिक्सल उसको कर्व कर दिया है। और ये अगेन यहाँ पे पाथ फाइंडर है, जो अभी हमने यहाँ से किया था, ये सेम वही ऑप्शन है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या कर देगा, उसको कट करता जाएगा एरिए को इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एलिप्स टूल, तो ये क्या करता है, एक सर्कल क्रिएट करता है इस तरीके का, और इसमें आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं, स्ट्रोक फिल कर सकते हैं, और इसके विड्थ और हाइट दी हुई है सेम जैसे मैंने आपको अभी बताया। और यहाँ से फिल से आप यहाँ पे पैटर्न भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट टूल है हमारे पास ट्रायंगल टूल, तो ये क्या करता है, आपको शिफ्ट प्रेस करके आप अगर एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे तो ये इक्वल ट्रायंगल बनाएगा, और अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये किसी भी तरीके से, आप जिस भी तरीके से इसको ड्रैग करना चाहें, तो ये इस तरीके से एक ट्रायंगल क्रिएट कर देगा। और इसके भी कॉर्नर को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसके कॉर्नर को इस तरीके से ड्रैग किया, आप चाहे तो इसको शार्प कर सकते हैं और इसको इस तरीके से स्मूथ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख जाएगा, बस आपको उसको ड्रैग करना है। और नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास पॉलीगन टूल, तो ये एक पॉलीगन शेप क्रिएट करता है। अभी आप देख सकते हैं इसकी 6 साइड्स हैं, और अगर आपको इसकी साइड्स को बढ़ाना है तो सिंपली आपको यहाँ पे बस एक लेफ्ट क्लिक करना है और ये एक पॉपअप ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट हाइट दी हुई है, मैंने यहाँ पे 500x500 ऐड कर दिया है, और नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्लाइड्स, तो यहाँ पे देखिए 6 स्लाइड्स है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 15 कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और कॉर्नर रेडियस को हम सेम ही रखते हैं और ओके कर देंगे। तो इसने क्या किया, उतने ही कॉर्नर स्लाइड्स ऐड कर दिए, मैंने 15 ऐड किए थे तो इसने 15 ही ऐड कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसमें यहाँ पे 8 कर रही हूँ, तो इसने यहाँ पे, अब आप यहाँ से देख सकते हैं इसके 8 कॉर्नर्स क्रिएट हो गए हैं यहाँ पे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पॉलीगन टूल की हेल्प से शेप क्रिएट कर सकते हैं। और मैं इन तीनों में भी एक ये सेम ऑप्शन है कि अगर आप ये ट्रायंगल लेते हैं, रेक्टेंगल, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दें तो यहाँ पे भी एक पॉपअप आता है इस तरीके से, और यहाँ पे भी आप अपना शेप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस साइज में चाहिए और किस साइड का कॉर्नर आपको कितना स्मूथ चाहिए, कितना राउंड चाहिए। तो मैंने यहाँ से इतना ऐड कर दिया, तो अब आप देखेंगे इसको तो ये उस तरीके से बनकर आ गया है। सेम यहाँ पे ये सर्कल में भी सेम ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन टूल, लाइन टूल क्या करता है, इस तरीके से आपको लाइन क्रिएट करके दे देगा। आप नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन को, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है इस तरीके से, और इसमें आप अपना कलर फिल कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देगा आपको, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। लास्ट टूल है हमारा कस्टम शेप टूल, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसमें एक न्यू ऑप्शन है ये कि यहाँ पे आपको कस्टम शेप्स मिल जाती है, तो ये डिफॉल्ट है, आपको बस सेलेक्ट करना है और इस तरीके से ड्रैग कर देना है और ये शेप क्रिएट हो जाएगी आपकी। और इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, लीफ दी हुई है, ट्रीज दी हुई है, बस आपको ड्रैग करना है और इस तरीके से बस आपको फिल कर देना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम लेयर पे बना दिया है मैंने।
और यहाँ पे आपको कई सारे फ्लावर्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। और आप यहाँ से चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और या तो इसमें ग्रेडियंट फिल करना चाहें तो इसमें ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से अगर आप टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। और अगर आप यहाँ से स्मॉल थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो इसके छोटे छोटे आइकन्स बने हुए आ जाएंगे, और अगर आप यहाँ से लार्ज थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो ये बड़े बड़े आइकन्स बने हुए आ जाएंगे इसके, और ये स्मॉल लिस्ट और लार्ज लिस्ट की तरह भी बनकर आ जाएगा। तो आप यहाँ से लार्ज थंबनेल पे करें, इससे आपको यहीं पे ही इसके डिजाइन शो हो जाएंगे। और इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी शेप, कस्टम शेप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।